ब्रह्मांड में धरती जैसे लाखों करोड़ों ग्रह होंगे। बेशुमार ग्रहों पे किसी रूप में जीवन भी होगा। अगर किसी ग्रह पे इंसानों की तरह सोचने वाली कोई नस्ल होगी तो क्या वहां भी अलौकिक शक्तियों की कल्पना होगी? हाँ, ऐसा संभव है। अगर किसी ग्रह पर इंसानों की तरह समझदार जीव होंगे तो वो भी विकास के एक दौर में अच्छी बुरी शक्तियों, देवी देवताओं की कल्पना जरूर करेंगे। वो जिस तरह की परिस्थितियों में होंगे उनकी काल्पनिक शक्तियां भी उसी के अनुरूप होंगी। ये नेचुरल बात है। दिमाग विकसित होते ही सोच पैदा होगी और फिर चीजों को समझने की कोशिश में वे कल्पनाओं का सहारा लेंगे। ऐसे जीव जब यूनिवर्स की विशालता को देखेंगे और कुदरत के अनंत सिलसिलों को देखेंगे तो उनके दिमागों में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं होंगे। फिर वे यूनिवर्स को बनाने वाली और कुदरती सिलसिलों को चलाने वाली दैवी शक्तियों की कल्पना करेंगे। फिर जैसे जैसे कुदरती सिद्धांतों की जानकारी होती जाएगी, दैवी शक्तियों की कल्पनाएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। अगर मैं मान लेती हूँ कि यूनिवर्स को किसी सुपर नेचुरल पावर ने नहीं बनाया, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे बना? हमारी धरती पे जीवन कैसे पैदा हुआ और इंसान कैसे बने? पहले धर्म ही इन सवालों के जवाब देते थे। सब धर्मों की अलग अलग कहानियां और विश्वास थे। उन विश्वासों के विपरीत सोचना गुनाह था। दुनिया के कुछ हिस्सों में जब धर्म की पकड़ कमजोर हुई तब वैज्ञानिक प्रगति की शुरुआत हुई। आज आधुनिक विज्ञान ने हमें अधिकतर सवालों के जवाब दे दिए हैं और कई सवालों के जवाब के करीब पहुंचा दिया है। जो कुछ आज हम इस ब्रह्मांड में पाते हैं वो सब कुछ नहीं था। हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा के एक घनीभूत रूप में एक बेहद गर्म छोटे से बिंदु में समाहित था, जहां से इसमें तेजी से विस्तार होना शुरू होता है। इस विस्तार के साथ कुछ मूलभूत नियम वजूद में आते हैं जिन्हें आज हम लॉज ऑफ फिजिक्स की तरह जानते हैं। इस विस्तार के कारण ये धीरे धीरे ठंडा भी पड़ता जाता है और जिससे पार्टिकल्स और पार्टिकल्स मिलकर अणुओं को जन्म देते हैं और इस तरह मैटर का जन्म होता है। आज जो मैटर हम अपने आसपास पाते हैं वो सब अणुओं से ही बना है और फिर इन्हीं नियमों के मुताबिक ये यूनिवर्स विकसित होता जाता है और अरबों साल के विकास के बाद ये वर्तमान यूनिवर्स के रूप में आज हमारे सामने है और आज भी ये उन्हीं नियमों के अनुसार गतिमान है। यूनिवर्स कोई बनाता नहीं है। यूनिवर्स तयशुदा सिद्धांतों से निर्मित और विकसित होता है। ये सिद्धांत फिक्स हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। विज्ञान इन सिद्धांतों को समझता है, इनकी व्याख्या करता है, इन्हें साबित करता है और हमें बताता है कि यूनिवर्स में चीज़ें किस तरह घटित होती हैं। विज्ञान के सिद्धांतों, तकनीकों और हबल जैसे टेलीस्कोपों की मदद से विज्ञान काफ़ी हद तक देख जान चुके हैं कि हमारे यूनिवर्स की रचना कैसे हुई। आधुनिक विज्ञान की मदद से आज हम आसानी से स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, ब्लैक होल्स बनने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। हमारा सोलर सिस्टम और धरती कैसे वजूद में आई और किस तरह से इस पर जीवन की शुरुआत हुई, इसके बारे में भी आज का विज्ञान हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। किसी प्लैनेट पर जीवन संभव हो सके इसके लिए उस प्लैनेट के हैबिटेट जोन में होने के साथ साथ उसे और भी कई शर्तों को पूरा करना होता है। करीब 4 अरब साल पहले हमारी धरती पर पानी में लगातार चल रहे केमिकल रिएक्शंस की लंबी श्रृंखला ने कुछ जटिल अणुओं को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में मिलकर एक ऐसे क्लोज सिस्टम को बनाया जो आसपास मौजूद चीजों का इस्तेमाल कर अपनी कॉपी बना सकता था। ये वो अभूतपूर्व पल था जब केमिस्ट्री बायोलॉजी में बदल गई। यहां से जीवन की शुरुआत हुई।
म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन ने जीवन के इन शुरुआती रूपों को तरह तरह के जीवों में ढालना शुरू कर दिया। एक सेल वाले सूक्ष्म जीवों के बहुत बाद तकरीबन 60 करोड़ साल पहले मल्टी सेल जीव पैदा हुए। म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के कारण समय के साथ समंदर तरह तरह के जीवों से आबाद हो गया। फिर कुछ जीवों ने नई संभावनाओं की तलाश में जमीन की ओर रुख किया। शुरुआत में वे कुछ समय ही पानी से बाहर रह पाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो जमीन की परिस्थितियों के ज्यादा और ज्यादा अनुकूल होते गए और इस तरह से धरती पर रहने वाले जीवों की कई प्रजातियां विकसित हुई। ये जीव धरती पर भोजन की भरपूर मौजूदगी के कारण बड़े आकार की प्रजातियों में विकसित होते चले गए और धरती डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों से आबाद हो गए। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड धरती से टकरा गया, जिससे महाविनाश हुआ। करीब 90% जीव जंतु और पेड़ पौधों की नस्लें खत्म हो गई। इस तबाही में धरती के अंदर रहने वाले कुछ छोटे जीव ही जिंदा रह सके, इनमें मैमल भी थे। जब धरती दोबारा जीने लायक हुई तो इन छोटे जीवों को फलने फूलने का ज्यादा मौका मिला। म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा मैमल्स की कई प्रजातियां वजूद में आई, जिनमें से एक पेड़ पर रहने वाली प्राइमेट प्रजाति थी। इस प्रजाति से निकली हुई कई शाखाएं अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित होती चली गई। करीब 60 लाख साल पहले इन्हीं शाखाओं में से एक शाखा और निकली और जो आगे चलकर मानव वंश के रूप में विकसित होने लगी। इसी शाखा से मानव की कई प्रजातियां सामने आईं। कुछ हजार साल पहले एक को छोड़कर बाकी सभी प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो गईं। सिर्फ एक ही प्रजाति होमो सेपियंस ही सरवाइव कर सकी। मैं मानती हूं कि विज्ञान ने कुदरत की बहुत सारी पहेलियों को सुलझाया है और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं। क्या इन सवालों का जवाब कोई दैवीय शक्ति या कोई ईश्वर हो सकता है? कोई तो वजह होगी जो लोग इनमें सदियों से आस्था रखते आ रहे हैं। दैवीय शक्तियों में आस्था रखने की क्या वजह हो सकती है? हर जीव के जीवन का एक मकसद होता है, सर्वाइव करना। शुरू में हमारे प्राचीन पूर्वजों के सामने भी एक ही सवाल था, सर्वाइव करना। सर्वाइवल के इस सवाल को हमारे प्राचीन पूर्वजों ने समूह साझेदारी और बुद्धि से सुलझाने की पहल की। जब इंटेलिजेंस बढ़ी तो सवाल भी बढ़ने लगे। आदि मानव को कुदरत के नियमों का नहीं पता था। कुदरत के अनंत सिलसिले नए सवाल पैदा करने लगे। जिन पेड़ पौधों और जीवों के बीच वो रहता था, उनका वजूद भी हैरान करने लगा। बदलते मौसम, बढ़ते पेड़ पौधे, खिलते फूल, सब पहेलियां लगने लगे। अचानक तेज हवाएं चलने लगती। उन्हें लगता कि कोई शक्ति नाराज है। एक तरफ से सूर्य जाता, एक तरफ शिप जाता। रात के बाद दिन और फिर रात हो जाती। रात का अंधेरा उन्हें डराने लगा। रात का आसमान उन्हें हैरान करने लगा। रोज चांद का आकार बदल जाता। वे रात को टिमटिमाते तारों को देखते। जलते उल्का पिंडों की रोशनी उन्हें हैरान करती। ना जाने कहां से बादल आ जाते, बिजलियां चमकती। गड़गड़ाहट की आवाजों से वे डर जाते। फिर आसमान से पानी गिरने लगता। उन्हें लगता कि आसमान में कोई है, वही सब करता है। खराब मौसम, कुदरती आपदा, बीमारियां, जीवन मरण जैसी बेशुमार पहेलियां थीं। हर पहेली, हर सवाल का एक ही जवाब था, अज्ञात शक्तियां। वो अज्ञानतावश अज्ञात शक्तियों की कल्पनाएं ही कर सकता था। उसे जो भी बात समझ नहीं आती थी, वो उसके पीछे अज्ञात अलौकिक शक्तियों की कल्पना करने लगा। वो उन अज्ञात शक्तियों से डरता था। उसे लगता था कि ये शक्तियां नाराज होती हैं तो कुछ बुरा होता है, ये शक्तियां खुश होती हैं तो कुछ अच्छा होता है। उसने उन शक्तियों को खुश करने के तरीके ढूंढ लिए। धरती के कई कोनों में इंसानों के हजारों ग्रुप्स थे।
सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं थी। बदलते वक्त के साथ कल्पनाएं बदलती रही, पुरानी कल्पनाओं की जगह नई कल्पनाएं पैदा होती रही, नए नए देवी देवता पैदा होते रहे। कुछ हजार साल पहले दुनिया भर में कई सभ्यताएं वजूद में आईं। हर सभ्यता के अपने अपने देवी देवता थे, अलौकिक शक्तियों की कई कल्पनाएं थी। हर अलौकिक शक्ति के साथ डर और लालच का भाव जुड़ा हुआ था। उन्हें खुश रखने की अलग अलग विधियां थी। कुछ कल्पनाशील लोगों ने देवी देवताओं की कहानियां भी रच दी। छोटे छोटे कबीले जब बड़े समूह बने तब कई सभ्यताएं वजूद में आई। दूर दराज तक व्यापार होने लगे तब अलौकिक शक्तियों की कल्पनाएं और कहानियां भी सफर करने लगी। बहुत सी कहानियां हेर फेर के साथ कहीं की कहीं पहुंच गई। कुछ हजार साल पहले अरब के इलाके में एक ईश्वर की कल्पना पैदा हुई। इस कल्पना पे दो बड़े रिलीजन वजूद में आए जिन्होंने आधी दुनिया के सैकड़ों देवी देवताओं को खत्म कर दिया। आधी दुनिया पहले बहुत सारे देवी देवताओं को सच मानती थी, अब एक ईश्वर की कल्पना को सच मानने लगी। इस तरह ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ अलौकिक शक्तियों का भी एवोल्यूशन होता रहा। पिछली एक दो सदियों में विज्ञान ने बहुत प्रगति की, सदियों पुराने सवालों के जवाब मिलने लगे। जिन देशों में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ वहां अलौकिक शक्तियां गायब हो गई। लेकिन अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां अलौकिक शक्तियों का ही प्रचार प्रसार हो रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी लोग सदियों से हजारों अलौकिक कहानियों को सच मानते रहे हैं। अब तक उनका प्रचार प्रसार हो रहा है और यह प्रचार की ही शक्ति है जो हमें इन अलौकिक कहानियों को सच मानने और इन पर श्रद्धा रखने को मजबूर कर देती है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि दैवीय शक्तियाँ इंसान की अज्ञानता और कल्पनाओं की उपज है, लेकिन यदि कोई इनमें आस्था रखता है और इनमें आस्था रखने से उसे अच्छा महसूस होता है तो इसमें क्या समस्या है? आखिर क्या जरूरत है उनका विश्वास तोड़ने की? सबका मौलिक अधिकार है कि कोई भी फर्जी बातों में आस्था और विश्वास रख सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब लोग फर्जी बातों को सच और ज्ञान विज्ञान को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को पूजा पाठ या इबादत करके शांति और सुकून मिलता है तो समस्या नहीं है। समस्या अंधविश्वासों और कट्टरता से है जिसके द्वारा लोगों को मानसिक विकलांग बनाया जाता है, देश का बौद्धिक विकास रोका जाता है, समाज की सोच को बीमार किया जाता है। जब दुनिया भर में विज्ञान का प्रचार और प्रसार हो रहा है ऐसे में लोगों को विज्ञान विरोधी और अंधभक्त बनाया जा रहा है। आस्था के नाम पर दिमागों में झूठा अहंकार भरा जा रहा है। लोग विज्ञान की किताबों में विज्ञान नहीं ढूंढते बल्कि धार्मिक किताबों में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। जिसे विज्ञान शब्द के अर्थ भी नहीं पता वो भी विज्ञान को चैलेंज कर रहा है। हमारे देश और समाज में सैकड़ों किस्म के अंधविश्वास, मान्यताएं, धारणाएं, दृष्टिकोण और पक्षपात हैं जो हमारी सोच को आजाद और विकसित नहीं होने देते। हम सही अर्थों में इंसान नहीं बन पाते, हम आधे अधूरे इंसान ही रह जाते हैं। इसी कारण हम अच्छे सच्चे इंसान होने पर गर्व नहीं करते बल्कि बाय चांस मिली पहचान पर गर्व करते हैं। हम वर्तमान में ऐसा कोई काम नहीं करते जिस पे हम गर्व कर सके। हम अपनी जाति, धर्म और सच्चे झूठे इतिहास में अपना गर्व ढूंढते हैं। इतिहास में गर्व नहीं मिलता तो मिथ्यास में गर्व ढूंढते हैं। हम महान हुए बिना ही खुद को महान घोषित करते हैं। हर पीढ़ी अपने सारे अंधविश्वास, मान्यताएं, धारणाएं नई पीढ़ी को बचपन में ही विरासत में दे देती है। इस कारण ये सब अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। कोई भी झूठ जब अवचेतन मन में जड़े जमा लेता है फिर वो सच को नकारने लगता है। उस झूठ के साथ अगर डर और लालच भी जुड़े हों तो समस्या गंभीर हो जाती है। इस कारण ही ज्ञान विज्ञान के युग में भी झूठी आस्थाएं और अंधविश्वास कायम रहते हैं।
लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानसिक स्तर ऊंचा नहीं हो रहा। अपनी आस्था और विश्वास के प्रति लोग इतने इमोशनल हैं कि उन्हें ज्ञान विज्ञान की बातें भी बुरी लगती हैं, उन्हें लॉजिक और फैक्ट भी ठेस पहुंचाते हैं। किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को झूठा या नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग अपने दिमाग से सोचना शुरू करें, लोग खुद जानें कि सच क्या है और सही क्या है। आस्था और अंधविश्वास मानसिक विकास को रोकते हैं, आत्मिक बल को कमजोर करते हैं, लोगों को फिरकापरस्त और कट्टर बनाते हैं, लोगों को मानसिक रोगी बनाते हैं। कुछ मानसिक रोगी काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं, गंभीर मानसिक रोगियों को मेडिसिन देनी पड़ती है, अति गंभीर मनोरोगियों को इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ते हैं। दुख देना मकसद नहीं होता, इलाज करना मकसद होता है। कोई भी बीमारी बहुत दुख देती है, उसका इलाज भी थोड़ा दुख देता है, लेकिन बीमारी ठीक हो जाती है। जब तक लोगों में मानसिक क्रांति नहीं होती, तब तक कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। सबसे पहले लोगों को मानसिक गुलामी से मुक्त करना होगा, सोच को आजाद करना होगा, नई सोच पैदा करनी होगी। जिन दिमागों पे ताले लगे हैं, हम उन्हें चाबियों से खोलना चाहते हैं, लेकिन जंग लगे तालों पे चोट करनी ही पड़ेगी। जो लोग तालों को, जंजीरों को पवित्र मान लेते हैं, जो उन्हें अपना अभिमान और पहचान बना लेते हैं, उन्हें आजाद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मानव विकास और मानवता के बेहतर भविष्य के लिए यह मुश्किल काम करना ही पड़ेगा। जिन्हें अपने धर्मों पे गर्व है, वे धर्मों के जयकारे लगाते हैं और अपने अपने धर्म का राज चाहते हैं। हमें इंसान होने पे गर्व है, हम इंसानियत की जय चाहते हैं, हम इंसानियत का राज चाहते हैं। धार्मिक अंधविश्वास ही लोगों को कट्टर बनाते हैं। अगर अंधविश्वास और कट्टरता ना हो तो लोग बेहतर इंसान बन सकते हैं, लोग इंसान होने पे गर्व कर सकते हैं। अगर किसी रिलीजन के अंधविश्वास किसी को हिंसक बनाते हैं, उसे हत्याओं के लिए उकसाते हैं, तो वो रिलीजन मानवता का दुश्मन है। सबसे पहले मानवता विरोधी ऐसी आइडियोलॉजी का खात्मा जरूरी है। अगर किसी धार्मिक समाज में हजारों किस्म के अंधविश्वास हैं, तो उन अंधविश्वासों का खात्मा भी जरूरी है। हर साल सैकड़ों औरतों को डायन समझकर मार दिया जाता है, लाखों औरतों को भूत प्रेत का साया बोलकर मनोरोगी बनाया जाता है। देवी देवता सपनों में आकर इंसानी बलि मांग लेते हैं, हजारों लोग धार्मिक यात्राओं के दौरान हादसों में मारे जाते हैं, दर्जनों इंसान विसर्जन के दौरान डूबकर मर जाते हैं, लाखों संत बाबा तांत्रिक ज्योतिषी करोड़ों लोगों का आर्थिक मानसिक शारीरिक शोषण करते हैं, गरीब लोग भी अपनी मेहनत की कमाई अंधविश्वासों में खर्च कर देते हैं। आस्था और अंधविश्वास के सैकड़ों साइड इफेक्ट्स हैं जो सारे समाज को बीमार करते हैं। जिस समाज में अंधविश्वासों को ही इतिहास और विज्ञान कहकर प्रचारित किया जाए, उस समाज की सोच बीमार हो जाती है। ऐसी बीमार सोच का इलाज भी जरूरी है। धर्म मजहब लोगों को अंधविश्वासी बनाते हैं, कट्टर और फिरकाप्रस्त बनाते हैं, इंसानों को बेड़ों की भीड़ बनाते हैं। ये बेड़ें बढ़क जाती हैं तो बेड़िए बन जाती हैं, फिर ये बेड़िए इंसानी बस्तियों को शिकार बनाते हैं। इन बस्तियों में हमारे परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं। धार्मिक बेड़ों को बेड़िए बनने से पहले इंसान बनाने की जरूरत है, तभी हमारे परिवार और हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित होगा। झूठी पहचान से मुक्त हुए बिना इंसान होना संभव नहीं, सवाल किए बिना सच जानना संभव नहीं। बहुत से सवाल पैदा करने के लिए, बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए हम एक लाइव स्ट्रीम चैनल लॉन्च कर रहे हैं, जिस पे हम लाइव के साथ साथ इसी तरह की वीडियो भी बनाएंगे। इस नए चैनल का संचालन एक टीम के रूप में मैं, अर्पित द्विवेदी जी और मानव राज जी करेंगे। इस नए चैनल पे हम डिबेट नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, हम बहस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे। बात भी उनसे करेंगे जो समझना चाहते हैं। कुछ लोग समझ सकते हैं,
कुछ कभी नहीं समझेंगे। जो लोग समझ सकते हैं सिर्फ उनको समझाना है। हम दिल पे चोट नहीं करेंगे, हम दिमागों पे चोट करेंगे। चोट करना मकसद नहीं है, नई सोच पैदा करना मकसद है। हम विरोधी नहीं बनाएंगे, हम लोगों को समर्थक बनाएंगे। विरोध से बदलाव नहीं होता, समर्थन हासिल करके ही परिवर्तन होता है। एक मशाल को रोशन करना आधा काम होता है, उस मशाल को रोशन रखना ही पूरा काम होता है। एक मशाल से कई मशालों को रोशन करना बहुत बड़ा काम होता है। सबसे मुश्किल काम होता है मशालों का सही इस्तेमाल करना। आग राख भी करती है, आग रोशन भी करती है। हम कचरे को जलाएंगे, अंधकार को मिटाएंगे, रोशनी फैलाएंगे। अब मशालों से मशालें जलेंगी, मशालों का काफिला बढ़ेगा, अंधकार मिटेगा, रास्ते रोशन होंगे, मन रोशन होंगे, जीवन रोशन होंगे, जहान रोशन होगा, हर तरफ होगी रोशनी। अंधेरे की ताकतें चाहती हैं अंधेरा कायम रहे, उन्हें रोशनी पसंद नहीं। बुरी ताकतें चाहती हैं नफरत कायम रहे, उन्हें प्यार की बातें पसंद नहीं। उन्हें दुश्मनी पसंद है, उन्हें दोस्ती पसंद नहीं। धर्म के धंधेबाज चाहते हैं झूठ की दुकानें चलती रहें, उन्हें सच्ची बातें पसंद नहीं। अंधेरे की ताकतें बुरी ताकतें बहुत ताकतवर हैं, इसके बावजूद अंधेरे और उजाले की जंग जारी है, जंग जारी रहेगी। बुराई और अच्छाई की, झूठ और सच की जंग जारी है, जंग जारी रहेगी। मानवीय और दानवीय शक्तियों के बीच ये मानवतावादी जंग है। मानवता की जय होने तक जंग जारी है, जंग जारी रहेगी। हमारे संघर्ष में शामिल होने के लिए, हमारे मिशन को सफल बनाने के लिए, हमारे नए चैनल ह्यूमैनिटी विद साइंस मानवता की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। ये देश हमारा है, ये हमारी दुनिया है। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अंधविश्वास और कट्टरता का त्याग कीजिए। रैशनलिस्ट और मानवतावादी चैनलों को सपोर्ट कीजिए। ह्यूमैनिटी विद साइंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय विज्ञान, जय मानवता।